भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इन दिनों चर्चाओं में, क्योंकि गुजरात में उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं और अपनी पत्नी के लिए वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ऐसे में रविंद्र अपनी पत्नी के लिए चुनाव प्रचार में जोर शोर में जुटे हुए हैं। साथ ही चर्चा ये भी है कि रविंद्र जडेजा अभी राजनीति के ट्रेनिंग कैंप में हैं, क्रिकेट के बाद वो अपनी सियासी पारी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा करने वाले रविंद्र जडेजा पहले क्रिकेटर नहीं हैं, उनसे पहले भी कई क्रिकेटरों ने राजनीति में हाथ आजमाया है। कुछ को बुरी तरह मात मिली, वहीं कुछ ने जमकर राजनीतिक छक्के उड़ाए हैं। उन्हीं में से पहला नाम है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का देशी नहीं दुनिया में नाम है। भारत का वो क्रिकेटर जो क्रिकेट का भगवान बन गया था। सचिन ने क्रिकेट के बाद राजनीति के क्षेत्र में भी उतरे। अप्रैल 2012 में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार की और मई में राज्यसभा का सदस्य के रूप में शपथ ली थी और कई साल तक वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम करते रहे। चेतन चौहान भी क्रिकेट के बाद राजनीति के क्षेत्र में उतरे। चेतन उत्तर प्रदेश के अमरोहा से 1991 और 1998 में लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद वो अमरोहा से ही विधायक बने और उसके बाद यूपी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी। हालांकि कोरोना काल में उनका दुखद निधन हो गया था। कीर्ति आजाद राजनीति के क्षेत्र में बड़ा नाम है। साल 1983 में इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। कीर्ति उस टीम के हिस्सा थी। 7 टेस्ट और 25 वनडे खेलने वाले कीर्ति ने राजनीति में एंट्री मारी और बीजेपी के टिकट पर बिहार के दरभंगा से लोकसभा चुनाव जीता। दरभंगा से कीर्ति ने 2 बार सांसद का चुनाव जीता। वैसे उनके पिता भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो भाजपा से कांग्रेस और फिर कांग्रेस से तृणमूल पार्टी में गए। हालांकि कीर्ति आजाद बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस के सफर में निकल गए। फरवरी 2019 में आजाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसके बाद 23 नवंबर 2021 को ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। गौतम गंभीर, टीम इंडिया के पूर्व ओपनर बल्लेबाज गौतम गंभीर ने साल 2019 में सांसद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वो बीजेपी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की। हालांकि गौतम गंभीर क्रिकेट से अभी भी जुड़े हुए हैं। वो कमेंट्री के साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट के मेंटर भी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी में शामिल होकर राजनीति की शुरुआत की थी। वो लगातार 3 बार पार्टी के लिए अमृतसर से सांसद रहे। इसके अलावा वो कांग्रेस की सीट पर अमृतसर ईस्ट सीट से विधायक भी रहे। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में इस सीट पर आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योत कौर ने उन्हें हराया था। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू गैर इरादतन हत्या के मामले में 1 साल से जेल में बंद हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से साल 2009 से 2014 तक कांग्रेस के टिकट पर सांसद रहे। बाद में उन्हें यहां से टिकट नहीं मिला। वर्तमान में वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष, वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी फिलहाल राज्य के डिप्टी सीएम हैं। बतौर क्रिकेटर उन्हें सफलता नहीं मिली, वो आईपीएल का हिस्सा रह चुके हैं। साल 2008, 2009, 2011 और 12 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स, जब दिल्ली डेयर डेविल्स के नाम से जानी जाती थी, उस टीम का हिस्सा थे। हालांकि उन्हें कभी खेलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली अंडर 15 और अंडर 17 की कप्तानी की। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली उनकी कप्तानी में खेल चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।